सुशांत सिंह राजपूत केस में हर कोई चाहता है कि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो जाए, रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हो जाए। तो मैं आपको बता दूं कि सीबीआई जो है वो बहुत ही जल्द रिया चक्रवर्ती को समन करने वाली है और साथ ही बहुत सारे सवालों का जवाब मांगने वाली है। नमस्कार, मैं हूं रुदम ठाकुर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेडलाइंस। मैं आपको बता दूं कि शुरुआत से ही जब से सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने बिहार में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, उसके बाद से ही पूरी इंडस्ट्री को छोड़ के सारा शक जो है वो रिया चक्रवर्ती पर आके रुक गया। ऐसे में रिया चक्रवर्ती को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं, जिसको लेके हर कोई यही सोच रहा है कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत के लाइफ में जो कुछ भी हो रहा था, क्या वो रिया चक्रवर्ती की वजह से हो रहा था, क्या रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट को लेकर क्या इश्यूज चल रहे थे। इन सभी सवालों को लेकर साथ ही उनके 17 करोड़ जिनके बारे में लगातार बातें चल रही है और ईडी भी पूछताछ कर रहा है, तो अब यहाँ पर सीबीआई उन्हें समन करने वाली है। जहाँ एक तरफ ईडी के ऑफिस वो चक्कर काट रही थी, अब जो है उन्हें एक बार फिर से सीबीआई के इंटरोगेशन के सामने आना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको पास वीडियो में बताया था कि रिया जो है वो सीबीआई के साथ में बातचीत नहीं कर रही है, आनाकानी कर रही है, पूछताछ में मतलब बिल्कुल भी एक मददगार तरीके से वो काम नहीं कर रही है। जबकि उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ये बात कही थी कि वो पूरा कॉपरेट करेंगी, चाहे सीबीआई जांच करे चाहे मुंबई पुलिस जांच करे, वो पूरी तरीके से कॉपरेट करेंगी। लेकिन ऐसे में अब ये देखना होगा कि क्या जब सीबीआई उन्हें समन करेगी, जब उनसे पूछताछ के लिए उनको बुलाया जाएगा, तो उस वक्त पर रिया चक्रवर्ती क्या करती हैं। वेल, आप लोगों के मन में क्या क्या चीजें आती हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, बन रहे चैनल के साथ बॉलीवुड हेडलाइंस में।